भगवान शिव को किसने दिया डमरू, त्रिशूल और नाग? किसने किया इसका आविष्कार? क्या है शास्त्रों में इसका वर्णन? दोस्तों, महादेव का त्रिदेवों में स्थान है, उन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। महादेव को भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। वेद में इनका नाम रुद्र है। ये व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है। भगवान शिव जी की तस्वीरों में उनके एक हाथ में डमरू दिखता है तो दूसरे हाथ में त्रिशूल, वहीं उनके गले में नाग लटक रहा है और उनके सिर पर चंद्रमा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को किसने दिया डमरू, त्रिशूल और नाग? शिवपुराण में भगवान शिव जी से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया गया है। भगवान शिव जी को सभी प्रकार के अस्त्रों को चलाने में महारत हासिल है, लेकिन भगवान शिव जी के लिए धनुष और त्रिशूल को प्रमुख माना गया है। भगवान शिव जी के लिए धनुष के बारे में कहा जाता है कि इनका आविष्कार स्वयं शिव जी ने किया था। और शिव जी के त्रिशूल की बात करें तो माना जाता है कि सृष्टि में जब भगवान शिव प्रकट हुए थे तो उनके साथ रज, तम और सतगुण भी प्रकट हुए थे। यही तीनों गुण शिव जी के शूल यानी कि इन्हीं तीन गुणों से मिलकर भगवान शिव जी का त्रिशूल बना है। अब बात करें कि कैसे आया भगवान शिव के हाथ में डमरू। जब सृष्टि में देवी सरस्वती पैदा हुई तो उनकी वाणी से ध्वनि पैदा हुई, लेकिन ये ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। आकाश में संगीत पैदा करने के लिए भगवान शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया और नृत्य किया। इससे ध्वनि व्याकरण और संगीत के ताल का जन्म हुआ। इस तरह भगवान शिव जी के डमरू की उत्पत्ति हुई। वहीं भगवान शिव जी के गले में लटके नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है, ये नागों के राजा वासुकी हैं। समुद्र मंथन के समय नाग वासुकी ने रस्सी का काम किया था जिससे समुद्र को मथा गया था। कहते हैं कि नाग वासुकी भगवान शिव जी के परम भक्त थे और इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें नागलोक का राजा बनाया और साथ ही इन्हें आभूषण की तरह गले में लिपटे रहने का वरदान दिया था, जिससे नाग वासुकी अमर हो गए। भगवान शिव जी के सिर पर चंद्रमा भी दिखता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया था। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव जी की कई सालों तक घोर तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव जी ने चंद्रमा के जीवन की रक्षा की और चंद्रमा को सिर पर धारण कर लिया। भगवान शिव जी के बारे में शिव पुराण में ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव जी सृष्टि पर राज करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु इस महीने में पाताल लोक में चले जाते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।